आज मैं आपको ऐसे कुछ वर्ड्स बताने वाली हूँ या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने वाली हूँ जहाँ पे अगर हम किसी नाउन में एस को ऐड कर देते हैं तो प्लूरल नहीं बनता, उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। जी हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको कराने वाली हूँ नाउन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई थिंक जो आज तक आप नहीं जानते। देखिए, आज मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। देखिए, ये आप सभी जानते हो कि अगर एक की बात होती है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, चाहे कुछ भी हो, तो वन की बात होती है तो सिंगुलर नाउन कहलाता है, और अगर प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा की बात होती है तो वो प्लूरल कहलाता है। हम अच्छे से जानते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से कि अगर नाउन में एस आई एस लगा दे तो वो प्लूरल बन जाते हैं। तो जैसे कि पेन है तो पेन्स हो जाता है, टेबल है तो टेबल्स हो जाता है, ओक्स है तो ओक्सेस हो जाता है, एंड सम अदर फैक्ट्स, बहुत सारे अदर फैक्ट्स जिसमें अगर कोई वर्ड ओ पे एंड है तो उसे हम ई एस उसमें ऐड करेंगे, अगर कोई वर्ड एफ पे एंड है तो हम एफ को रिमूव करके वी ई एस लगाएंगे। ये हर कोई जानता है, मैं आज आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली बिकॉज ये बहुत ही फैमिलियर से रूल है जो हम जानते हैं सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए। यही फैक्ट आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये फैक्ट कि किसी भी नाउन में एस आई एस अगर लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, आज ये फैक्ट यहाँ पे फेल होने वाला है। आज मैं आपको ऐसे कुछ वर्ड्स बताने वाली हूँ या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने वाली हूँ जहाँ पे अगर हम किसी नाउन में एस को ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल नहीं बनता, उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। अगर नाउन में हम एस या ईएस लगा रहे हैं तो वो प्लूरल नहीं बनेगा, कैसे उसका मीनिंग चेंज होता है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए ध्यान से, एयर आप जानते ही हो, ठीक है, तो एयर एक नाउन है, ठीक है। तो एयर का मतलब क्या होता है, हम अच्छे से जानते हैं, एयर का मतलब होता है हवा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एयर का मतलब क्या होता है, हवा होता है। लेकिन अगर मैं एयर में एस लगा देती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारी हवाओं की बात कर रहे हैं हम, नहीं। अगर एयर में एस लगा दिया तो वो हो जाएगा दिखावटी व्यवहार, तो वो हो जाएगा दिखावटी व्यवहार। दिखावटी मीन्स एक ऐसा व्यवहार, हम है तो कुछ और लेकिन हम बिहेव किसी और दूसरे तरीके से करें जो हम है ही नहीं, तो एयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, दिखावटी व्यवहार। रिटर्न, रिटर्न हम सभी जानते हैं वापस आना, ठीक है, वापस देना, तो वापस मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, रिटर्न, रिटर्न होता है वापस। लेकिन अगर मैं रिटर्न में एस लगा देती हूँ, रिटर्न है ये एक नाउन था, ये एक वर्ब है, तो रिटर्न में अगर हम एस का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हो जाता है आय का हिस्सा, आय मीन्स इनकम। राइट, तो इसका मतलब हो जाता है आय का हिस्सा, आय मीन्स इनकम होती है, और इनकम का हिस्सा, जैसे कि हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं, कोई भी प्लान अगर हम लेते हैं, अपनी मनी को सेव करते हैं, तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि इस पे हमें कितना रिटर्न्स मिलेगा, मीन जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला है, तो वो हो जाएगा आय का हिस्सा, कौन सा मिलने वाला है, हमें कितना मिलने वाला है, तो वो कहलाता है रिटर्न्स। आयरन, देखिए आयरन हम जानते हैं लोहा होता है ना, लेकिन अगर हम आयरन कर देते हैं तो इसका मतलब होता है जंजीर, है ना, जंजीर जो बेड़िया होती है, जो लोहे की बनी हुई होती है, आयरन की बनी होती है, अगर हम एस लगा देते हैं तो वो जंजीर कहलाता है। राइट, इसी तरह से सैंड को देखिए, सैंड का मतलब होता है रेत, एंड अगर हम इसमें सैंड का मतलब होता है रेत, लेकिन अगर हम इसमें एस लगा देते, इसको हम सैंड्स बना देते, तो यहाँ पे बहुत सारे रेत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है रेगिस्तान की, तो ये बन जाता है रेगिस्तान। वुड हम सभी जानते हैं, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन अगर वुड में हम एस लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जंगल, मीन्स फॉरेस्ट। ओके, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, और अब्यूजेज अगर हम कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कुरीतियां, जो हमारे समाज में पाई जाती है कुरीतियां, जैसे बाल विवाह है ना, चाइल्ड मैरिज एक कुरीति थी, दहेज डाउरी सिस्टम भी क्या थी, कुरीति थी, तो ऐसे बहुत सारी कुरीतियां जिनका जिनके लिए हम यूज कर सकते हैं अब्यूजेज, कुरीतियां। गुड, गुड होता है अच्छा, जो कि एक एडजेक्टिव है। राइट, लेकिन अगर हम इसको गुड्स कर देते हैं तो ये हो जाता है सामान, कोई भी जो हमारा सामान होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारा गुड्स एक्सपोर्ट किया गया या फिर बहुत सारा गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है, तो गुड्स मीन सामान, अलग अलग टाइप का सामान हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, वाटर, वाटर मीन्स हम सभी जानते हैं पानी होता है, जल होता है, बिल्कुल हिंदी की लैंग्वेज में मैं लिखती हूँ तो ये है जल, लेकिन अगर मैं वाटर से बोलती हूँ तो ये हो जाता है समुद्र,
राइट, तो वोटर्स को हम क्या कहते हैं, समुद्र, ओशियंस। वर्क होता है काम, है ना, कार्य है काम, लेकिन अगर वर्क में हम एस लगा देते हैं तो ये हो जाता है साहित्यिक वर्क, मीन्स लिटरेचर से रिगार्डिंग, साहित्यिक मीन्स लिटरेचर में जो जो चीजें लिखी जा रही है, कोई भी राइटर अगर कुछ लिख रहा है तो उसका जो टोटल वर्क होता है वो कहलाता है वर्क्स। जो भी वो लिखता है और उसका टोटल जितना भी उसने लिखा उसे हम कहते हैं उसका वर्क्स, हम राइट क्या कहेंगे, उसका वर्क्स, तो मीन्स उसका साहित्यिक लेख। फ्रूट, फ्रूट हम जानते हैं फल होता है, लेकिन अगर हम फ्रूट में एस लगा रहे हैं तो इसका मतलब फ्रूट्स नहीं, तो हम बहुत कितना गलत बोलते हैं कि मैंने तो मैं फ्रूट्स खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाय फ्रूट्स। फ्रूट्स नहीं होता कभी भी, फ्रूट को प्लुरलाइज नहीं कर सकते, तो फ्रूट्स अगर हम बोल रहे हैं ना इसका मतलब होता है रिजल्ट, मीन्स परिणाम, इसका मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, राइट। तो देखा आपने, हर बार एस लगाने से किसी भी वर्ड में वो प्लूरल नहीं बनता, टोटल मीनिंग चेंज हो जाता है उसका। ये वर्ड्स आप याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस्टेक फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं वहां पे, तो ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। कुछ और वर्ड्स है जो मैं आपको बता देती हूँ, उनको भी आप याद रखिएगा। ये और कुछ वर्ड्स है, इनको देख लीजिए कि कैसे अगर हम इनको प्लूरलाइज करते हैं, इनमें एस लगाते हैं तो इनका मीनिंग कैसे चेंज होता है। ठीक है, कस्टम, हम जानते हैं कि कस्टम का मतलब होता है रिवाज, किसी भी सोसाइटी में पाए जाने वाले जो चीजें होती है जो लॉन्ग टर्म से चली आती है वो कहलाते हैं रिवाज। ठीक है, तो जब हम इसको प्लुरलाइज कर देते हैं, इसमें एस लगा देते हैं, तो इसका मीनिंग हो जाता है सीमा शुल्क। ठीक है, शुल्क का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में जाते हैं तो जो टैक्स लिया जाता है उसे सीमा शुल्क कहा जाता है, उसे हम कहते हैं कस्टम्स। मैनर, मैनर होता है तरीका, किसी भी काम को करने का कोई भी तरीका हो सकता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट द मैनर टू डू इट, ये इस काम को करने का तरीका नहीं है। लेकिन जब हम इसमें एस लगा दे तो मैनर्स हो जाता है शिष्ट व्यवहार, शिष्ट, शिष्टाचार लिख सकते हैं हम इसको, शिष्टाचार कह लीजिए, शिष्ट, शिष्ट, शिष्ट व्यवहार भी कह सकते हैं। तो शिष्टाचार देंगे, शिष्टाचार मीन्स व्यवहार करने का एक अच्छा तरीका, मतलब कि किस तरीके से व्यवहार किया जाने वाला, किस तरह से बिहेव करना है दूसरे के सामने, तो अगर हम अच्छे से बिहेव कर रहे हैं तो वो कहलाता है शिष्टाचार, मीन्स मैनर्स। कहते हैं ना कि तुम्हें बात करने के मैनर्स नहीं है, मीन्स तुम्हारे अंदर बात करने की तमीज नहीं है। इसको हम एक बार बोलते हैं तो हम इसको तमीज भी कह सकते हैं, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, तमीज। पेन, पेन हम सभी जानते हैं, पेन होता है दर्द। ठीक है, और अगर हमने इसमें एस लगाया तो उसका मतलब हो जाता है अत्यधिक प्रयास करना किसी चीज के लिए, अत्यधिक प्रयास करना, मीन्स यू हैव टू टेक पेन्स फॉर इट, तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए अत्यधिक प्रयास करना पड़ेगा, तो अत्यधिक प्रयास के लिए क्या लगाएंगे, पेन्स लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वार्टर, क्वार्टर होता है एक चौथाई, अगर हम इसमें एस लगा देते हैं तो ये हो जाता है आवास, आवास मीन्स होता है रेसिडेंस, रहने की जगह, निवास स्थान भी हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, निवास स्थान, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रेसिडेंस, निवास स्थान, जहाँ पे कोई रहते हैं तो हम उसे कह सकते हैं क्वार्टर्स। क्वार्टर्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे घरों की बात हो रही है, क्वार्टर्स में से एक की भी बात हो रही है तो भी हम उसे क्वार्टर्स ही कहेंगे। तो ये सारे के सारे वर्ड, इनके अलावा तो कोई ज्यादा वर्ड नहीं बचे हैं जिसमें हम एस लगाए तो मीनिंग चेंज हो, बस आप इन वर्ड्स को ही लर्न कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो। और ये इससे एक तरीके से आपकी वोकैबुलरी इनरिच हो गई, क्यों, हमें इनवर्ड्स का भी मीनिंग पता चला है, एंड अगर हम इनमें एस लगा रहे हो तो ये भी आपकी वोकैबुलरी को इनरिच कर रहे हैं। तो बस आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।